नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने बनाई टूलकिट, कांग्रेस करेगी एफआईआर। हाईकोर्ट ने कहा, यूपी के ग्रामीण इलाकों में राम भरोसे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। पैनल की सिफारिश, ठीक हुए लोगों को 3 से 9 महीनों में लगे टीका। पंजाब हाईकोर्ट ने जोड़े को नहीं दी सुरक्षा, लिव इन संबंधों को बताया अमान्य। प्लाज्मा थेरेपी पर लगी रोक, सरकार बोली कोरोना के इलाज में ज्यादा लाभ नहीं। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना महामारी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने और राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रही है। बीजेपी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि नष्ट करने के लिए एक टूलकिट बनाई है। हालांकि कांग्रेस ने टूलकिट जैसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और ये तक कहा है कि वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करेगी। बता दें कि कांग्रेस की ये कथित टूल किट सबसे पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में दिखी थी। इस टूल किट में कांग्रेस के नेताओं से कहा गया है कि वो कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन कहें, इसके अलावा कुंभ को सुपर स्प्रेडर बोलते रहें। वायरल टूल किट में कहा गया है कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर बोलते रहे, जिससे लोगों को ये याद रहे कि ये बीजेपी की हिंदू राजनीति है जिसके कारण देश में इतनी बर्बादी हो रही है। मंगलवार को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कथित टूल किट दिखाई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं ने भी इस मसले पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस तरह का प्रोपेगंडा फैला रही है, जब देश और सरकार को महामारी से लड़ना चाहिए तब उनकी पार्टी और नेता फर्जी टूल किट फैलाने में लगे हुए हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है, बीजेपी टूल किट की बात ऐसे कर रही है जैसे कोई हथियारों का जखीरा बरामद हुआ हो, और उस टूल किट में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि पब्लिक डोमेन में ना हो, आम लोगों को अवेलेबल ना हो। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें भरी पड़ी हैं और राहुल गांधी खुद इसको कह चुके हैं मोदी वायरस। तो ये कोई नई बात नहीं है जो इस सोशल मीडिया किट से बीजेपी कहना चाहती है, लेकिन बीजेपी का जो अभियान है दरअसल इसको समझना चाहिए। बीजेपी कोशिश में ये है कि कोरोना वायरस में जो कोरोना निपटने में जो सरकार की नाकामी रही है, जिससे सरकार की छवि खराब हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की भी छवि ध्वस्त हो गई है, तो उसके लिए आरोप किसी और पर मढ़े जाए, कहा यह जाए कि ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और उसमें सच्चाई नहीं है। तो बीजेपी और संघ परिवार जो सकारात्मकता का अभियान चला रहा है सरकार को बचाने के लिए, सरकार की छवि को बचाने के लिए, उसी के पैरेलल एक और अभियान उसने ये शुरू किया है जिसमें तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाई जाएंगी और बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री और सरकार को कमज़ोर करने, अस्थिर करने, बदनाम करने के लिए देश के अंदर राजनीतिक दल, विपक्षी दल और विदेश भी, विदेशों में भी जो दूसरे देश हैं वो भी एक षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि इस सरकार को कमज़ोर किया जा सके। तो जब भी सरकारें मुसीबत में होती हैं, संकट में होती हैं, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सहारा लेती हैं। ये कोई मोदी सरकार से जुड़ी हो बात ये नई नहीं है, पिछली सरकारें भी, तमाम सरकारें बार बार कभी सीमा पार आतंकवाद का नाम लेती थी, कभी CIA और KGB की बात करती थी, अभी हाल हाल में चीन का भी नाम लेना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजनीति में चलती रहती हैं और इनमें सच्चाई बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन प्रोपेगंडा में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जाहिर है कि संबत पात्रा जो इस तथाकथित टूलकिट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है उसका मकसद क्या था। अब इस प्रोपेगंडा का जवाब कांग्रेस FIR करके देना चाहती है और जाहिर है कि उसके प्रवक्ता नेता भी इसके खंडन और मंडन में लग गए हैं। तो ये लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें किसी तरह से कोई
नैतिकता और मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, न ही राजनीतिक शुचिता की बात जो बीजेपी करती रही है वो इसमें कहीं नजर आती है। विशुद्ध रूप से ये विपक्षी दलों को बदनाम करना और अपनी सरकार की छवि को किसी तरह से बनाए रखना इसका मकसद है। अगली खबर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच कोरोना के मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उसने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करते हुए छोटे शहरों और गांवों का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा, बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा बहुत कमजोर है। जब ये स्वास्थ्य ढांचा सामान्य हालात में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता है तो इसका इस महामारी में फेल होना निश्चित ही था। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ये दावे करने में लगी हुई है कि योगी मॉडल के कारण उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर हो रहे हैं और WHO से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसके लिए किसी को कुछ प्रमाण लाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लखनऊ, कानपुर और जैसे बड़े शहरों में सैकड़ों की संख्या में लाशें जलती हुई देखी हैं, कब्रिस्तानों में दफनाई होती जाती हुई देखी है, गंगा में हजारों की तादाद में लाशें बहती हुई पाई गई हैं, उसके किनारे घाटों पर रेत में दबाई पाई गई हैं। तो ये साफ है कि ये सरकार काम की नहीं है, निकम्मी है, नाकारा है, अक्षम है और ये कुछ भी नहीं कर पा रही है और केवल मुंह जबानी जो बोलते हैं कि गाल बजा बजा कर वो ये साबित करना चाहती है कि वो सबसे अच्छा काम कर रही है। उसकी पोल खुल चुकी है, लोग जानते हैं सच्चाई क्या है। किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, चिकित्सा नहीं मिल रही है, तमाम तरह की असुविधा है। और ये शहरों की बात है, गाँव में तो कुछ भी नहीं है और ना ही सरकार ने गाँव के लिए कुछ योजना बनाई है। अभी तक तो कम से कम पता नहीं चला है और ये खबरें आ रही कि गाँव में बड़े पैमाने पर लोग कोरोना की वजह से मारे जा रहे हैं, उनको कोई वहां पर सहयोग नहीं मिल रहा है, न चिकित्सा मिल रही है। तो अदालत की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके राम भरोसे हैं। सचमुच में वो राम भरोसे हैं, लेकिन ये पूरा प्रदेश ही अब राम भरोसे है कि जो लोग योगी भरोसे थे उन्होंने उनके भरोसे में रह के देख लिया है कि उत्तर प्रदेश में को वो कैसे चला रहे हैं 4.5 साल से, और उससे उत्तर प्रदेश आगे जाने के बजाय और पीछे चला जा रहा है और स्थितियाँ बहुत ही बदतर हो गई हैं। तो इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और भी कई मामलों में कड़ी टिप्पणियां कर चुका है। आपको याद होगा कि उसने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं उसको नरसंहार कहा जा सकता है, एक तरह का नरसंहार है, जीनोसाइड है। तो बहुत कड़ी टिप्पणियां योगी सरकार के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई हैं। ये और बात है कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में कामयाबी पा ली है, लेकिन सच्चाई अब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये सरकार कितनी कारगर है, कितनी सक्षम है और कितनी नाकारा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद अब तक 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगाई जा सकती थी, लेकिन सरकार के विशेषज्ञों के पैनल ने इस अवधि को अब 3 से 9 महीने तक करने की सिफारिश की है। विशेषज्ञों के पैनल ने कहा है कि ये फैसला पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लिया गया है। आमतौर पर जो शोध अब तक सामने आए हैं उनमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों में करीब 3 महीने तक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रभावी होती हैं। शरीर में धीरे धीरे ये एंटीबॉडी कमजोर पड़ने लगती है और वायरस के संपर्क में आने पर फिर से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इन्हीं वजहों से दुनिया के अधिकतर देशों में सलाह दी जा रही है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों को 3 महीने में वैक्सीन ले लेनी चाहिए। हालांकि भारत में कहा गया है कि और लंबी अवधि होने से एंटीबॉडी प्रतिक्रिया बेहतर होती है और इसीलिए इसकी सिफारिश की गई है। बता दें, इससे पहले भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच की अवधि को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते तक कर दिया था।
इसके लिए यूके से आए आंकड़ों को ही हवाला दिया गया था। हालांकि ब्रिटेन ने अगले दिन ही बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दो खुराकों के बीच की अवधि को 12 हफ्तों से घटाकर 8 हफ्ते कर दिया था। तो वैज्ञानिक रिसर्च तथ्य अपनी जगह पर बिल्कुल सही बात है, उनके आधार पर अगर फैसले लिए जा रहे हैं तो उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है। लेकिन एक के बाद एक अब जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं जिनमें वैक्सीन को लगाने की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो 18 साल से उम्र की ज़्यादा के लोग हों या 45 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों के लिए जो दूसरे डोज की अवधि उसको बढ़ाने का सवाल हो, तो साफ लग रहा है कि सरकार के पास चूंकि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की भयानक कमी हो गई है। कमी इसलिए हो गई कि सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई थी। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि हम वैक्सीन को बनाने और उसको तुरंत देश भर को लगवाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं, यानी वो साल भर पहले तैयारी कर चुके थे और आज हम देख रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं की गई थी। तो वो उसकी वजह से जो संकट खड़ा हुआ है, वैक्सीन है नहीं, जगह जगह लोग जा रहे हैं और उन्हें वैक्सीन मिल नहीं रही है, तो एक भयानक कहना चाहिए अकाल पड़ गया है वैक्सीन का। और उसको छिपाने के लिए सरकार बहुत सारी कवायद कर रही है, उनमें से ये कवायद भी आप मान सकते हैं कि हो सकती है कि जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनको थोड़ा और लंबा समय तक खींचा जाए ताकि वैक्सीन आ जाए तो उनको उपलब्ध कराई जा सके और लोगों को ये न लगे कि वैक्सीन की कमी है। तो आप समझ सकते हैं कि कमी जो है उसको छिपाने के लिए सरकार ये नए नए रिसर्च का इस्तेमाल कर रही, नहीं तो इस रिसर्च का इस्तेमाल आज से एक महीने पहले, दो महीने पहले भी किया जा सकता था, ये रिसर्च पहले भी उपलब्ध थी। लेकिन जब वैक्सीन की क्राइसिस आई तब इन सब रिसर्च का ख्याल आया है सरकार को, तो उसका मतलब बिल्कुल साफ है। पैनल ने सिफारिश की है, पैनल सरकारी है ये ध्यान रखिए, और सिफारिश की है तो सिफारिश हो सकता है कि मांगी गई हो और उस सिफारिश पर अब सरकार का कोई निर्देश भी आ जाएगा। तो एक मैच फिक्सिंग वाला मामला भी यहाँ नजर आता है। अगली खबर लेते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक और नैतिक रूप से मान्य नहीं है। 19 वर्षीय गुलजा कुमारी और 22 साल के गुरविंदर सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। याचिका में युवक ने लड़की के घर वालों से सुरक्षा को खतरा बताया और कोर्ट से अपील की थी कि वो पंजाब पुलिस को उनकी सुरक्षा के निर्देश दें। हालांकि HS मदान की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में याचिकाकर्ता उस याचिका की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर मंजूरी की मांग कर रहे हैं जो कि नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, इसलिए संरक्षण को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता जोड़े ने अपने वकील JS ठाकुर के माध्यम से कहा कि वे पिछले 4 साल से रिश्ते में हैं, हालांकि महिला के परिजन उनके अंतरजातीय विवाह का विरोध कर रहे थे, इसलिए अपने जीवन और स्वतंत्रता को खतरा होने के डर से वे अपने घर से भाग गए थे और अब वो शादी करना चाहते हैं, इसलिए अदालत से सुरक्षा मांग रहे हैं। जोड़े ने कहा कि उनको लगातार लड़की के परिवार की ओर से धमकियां मिल रही हैं। तो पंजाब हाई कोर्ट के ये जो जस्टिस मदान है, HS मदान, उनकी लगता है समझदारी में बहुत कमी है या उनकी जानकारी में भी बहुत कमी है कि सुप्रीम कोर्ट ही लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे चुका है। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, आप सामाजिक मान्यताओं का हवाला दे रहे हैं लेकिन सामाजिक मान्यताएं बदलती रहती हैं, नैतिक मूल्यों में भी बदलाव आता है, समाज बदल रहा है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप को उसमें स्वीकार्यता भी मिल गई है और कानूनन रूप से उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं उनके अधिकारों को भी परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तो बुनियादी बात यह है कि जस्टिस मदान को अपनी सोच इस पर नहीं थोपनी चाहिए थी, और जोड़ा अगर उनके सामने सुरक्षा की मांग को लेकर आया था तो सुरक्षा उपलब्ध कराना उनका जिम्मा बनता था, न केवल इसलिए कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य की या
व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा प्रदान करे अगर उन पर सचमुच में कोई खतरा है तो। तो जस्टिस को चाहिए था, मदान को, कि वो ये उसका आकलन करते कि उनको सचमुच में खतरा है या नहीं है, और अगर वो खतरा है, उनको धमकियां वास्तविक रूप से मिल रही हैं, तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना भी उनका दायित्व था। वो इस दायित्व से पल्ला उन्होंने झाड़ दिया। अब अगर कल को इनमें से किसी पर हमला होता है, किसी की जान जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर है कि हाई कोर्ट की होगी, और ख़ास तौर पर जस्टिस H.S. मदान की होगी, जिन्होंने इस मामले को केवल अपने नज़रिए से देखा, कानून के नज़रिए से नहीं देखा। पिछले जो मामले इस तरह के आए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, क्या नज़ीर हैं, उनको नज़रअंदाज किया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट में इस तरह के जजेस भी हैं जो कि एक पिछड़ी मानसिकता रखते हैं और चीज़ों को सही संदर्भों में नहीं देख पाते हैं, अपनी मान्यताएं थोपते हैं ये कहते हुए कि ये सामाजिक रूप से मान्य नहीं है या नैतिक रूप से मान्य नहीं है। तो इनकी समझदारी में कमजोरी है, ऐसे जजों की अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे लोगों को इलाज के दौरान दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार ने इस महामारी के इलाज के प्रोटोकॉल से हटा दिया है। ये फैसला एम्स ICMR कोरोना के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है। इस फैसले से पता चलता है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमितों के इलाज में उतनी कारगर नहीं रही है जितना इसके होने की बात कही जा रही थी। PTI के मुताबिक 16 मई को हुई टास्क फोर्स की बैठक में इसके सदस्यों ने कहा था कि वे कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को जारी रखने के पक्ष में नहीं है। नेशनल टास्क फोर्स ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी उतनी प्रभावी नहीं है और कई मामलों में इसका बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कई चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को पत्र लिखकर कहा था कि ताजा शोध से पता चलता है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना के इलाज में कोई भी फायदा नहीं है, और इसके बाद भी देश भर के अस्पतालों में इसके इस्तेमाल के लिए कहा जा रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को इसके लिए जहां तहां भागना पड़ता है। मेडिकल जनरल लॉन्सेट में कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहे लोगों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक रिपोर्ट भी छपी थी। ये रिपोर्ट एक बड़े ट्रायल के आधार पर छापी गई थी। इससे पता चला था कि प्लाज्मा से मरीजों की सेहत में कोई खास सुधार नहीं होता है। ऐसी ही रिपोर्ट चीन और नीदरलैंड में भी सामने आ चुकी है। तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। जब भी कोई मरीज क्रिटिकल स्थिति में पहुंचता है, नाजुक स्थिति में पहुंचता है, तो प्लाज्मा थेरेपी करने की बात की जाती है और फिर प्लाज्मा की ढुलाई शुरू होती है कि प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, कौन डोनेट कर सकता है, प्लाज्मा का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन जो रिजल्ट है रिसर्च के, वो कह रहे हैं कि ये थेरेपी उतनी कारगर नहीं है, इससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है, इसलिए इसके लिए जो मारामारी हो रही है वो बेकार है, उसका कोई मकसद नहीं रह जाता है, इसलिए बेहतर है कि इसे बंद कर दिया जाए। तो जो प्रोटोकॉल जारी होता है तमाम डॉक्टरों के लिए, अस्पतालों के लिए, सरकार की तरफ से, ये जो एक एक्सपर्ट कमेटी है उसकी तरफ से, कि कोरोना के मरीजों का इलाज कैसे करना है, उसमें पहले ये प्लाज्मा थेरेपी अभी तक थी, अब उसको हटा दिया गया है, और अब जो तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं प्लाज्मा थेरेपी नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोग इसको न माने, लेकिन मोटे तौर पर अब इसको कोरोना के इलाज से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब प्लाज्मा थेरेपी आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ भी एक प्रश्न ज़रूर आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में उठता है कि ये इतनी देर से क्यों जागते हैं। ये प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है वो अब भी तुरंत नहीं आया है, ये पहले आ चुके हैं इस तरह के ट्रायल, 4 महीने 6 महीने साल भर पहले इस तरह के ट्रायल हो चुके हैं और उनके आधार पर ये कहा गया है। अब उन रिपोर्टों को अभी क्या ये वैज्ञानिक देख रहे हैं और तब फैसला ले रहे हैं? अगर इतना लेट लतीफ चल रहा है मामला, तो सोचा जा सकता है कि हमारी सरकार किस ढंग से काम कर रही है इतने बहुत ही संकटकालीन वक्त में भी। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इसे लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।